हलचल टीवी न्यूज। यमुनानगर के दुर्गा गार्डन स्थित शराब का ठेका कॉलोनी के बीचों बीच खुलने से नाराज महिलाओं ने ठेके में जाकर ढोलक और चिमटों के साथ कीर्तन किया। महिलाओं ने शराब पर गाना भी गाया और कहा कि अगर यहाँ शराब जबरन बेची जाएगी तो सबसे पहले महिलाएं ही उसका सेवन करेंगी। दरअसल यमुना के जगाधरा स्थित दुर्गा गार्डन में कॉलोनी में दो दो शराब के ठेके खुल रहे हैं, एक तरफ अंग्रेजी और दूसरी तरफ देसी, जिसको लेकर कॉलोनी की महिलाओं में काफी आपत्ति थी। आज सुबह से ही दर्जनों महिलाएं ठेके की जगह पर ढोलक और चिमटा लेकर बैठ गई हैं और राधे राधे का नाम जपने लगी हैं। महिलाओं ने शराब के ठेके पर कीर्तन के बाद यह चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार यहां जबरन ठेका खोलेगा तो वह उसका विरोध करेंगी और ठेके का मंदिर का रूप दे देंगे। उसके बाद भी अगर ठेका खुला रहा तो पुरुषों से पहले महिलाएं ही उसका सेवन करेंगी। के लिए है कि जब सारी रात हो गए इनको जागते हुए कि यह ठेका खुलेगा, यहाँ देसी का या अंग्रेजी का दोनों ठेके खुलेंगे। तो मैं पब्लिक के साथ हूँ जी, जहाँ पब्लिक है मैं वहाँ हूँ। पब्लिक ने मेरा समर्थन दिया, मेरे को यहाँ से जताया है, तो मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा यहाँ। तो फिर देखिए कि जहाँ शिफ्ट करना है, अब अपने वार्ड में कहीं रेजिडेंस वार्ड में हम यहाँ नहीं, कहीं भी आके जाए वार्ड में मैं यहाँ नहीं खुलने दूंगा ठेका। ठेका नहीं खोला वो कह रहे ना जी, वो कह रहे हैं ना, पहले तो कह रहे थे कि हम मेरी जुबान का कोई वो नहीं है, अब कह रहे हैं ना वो कि जितनी बार भी किराए पे दुकानें दी जाती हैं ठेके के लिए दी जाती हैं, और हमारा इन दो तीन गलियों में बहु बेटियों का निकलना बंद हो जाता है क्योंकि वो इतना गंद बोलते हैं, इतनी बदतमीजी से शराब पी के पेश आते हैं कि हमारा यहाँ से निकलना बंद है। हमने इनको पहले पिछले साल भी मेहता जी को समझाया कि दुकानें यहाँ पर हमारे अपने भाई बंद रिश्तेदार दुकानें लेने के लिए तैयार हैं, जूस की दुकान खोल लो, कपड़े की खोल लो, करियाने की खोल लो, लेकिन ये ठेके वाले को देते हैं। इन्होंने पेंट करवाया हुआ है, हमने पूरी रात पहरा दिया गली ने। हम लोग शराब का ठेका यहाँ खोलने नहीं देना चाहते, क्या जब शराब का ठेका खुलता है तो अंडे की रेड़ियाँ लगते हैं, मीट की रेड़ियाँ लगते हैं, आती सड़क हमारी भीड़ हो जाती है, लेडीज यहाँ से निकल नहीं पाती, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रात के 12-12 1-1 बजे तक यहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे बच्चे कहाँ से निकले, हम लोग कहाँ से जाए, हम लोग नहीं चाहते यहाँ से शराब का ठेका खुले। तो क्या पहले भी यहाँ शराब का ठेका? यहाँ मेरी शादी का आज 18 साल हो गया, 18 साल से लगातार मैं शराब का ठेका यहीं पे देख रही हूँ। पिछले साल हमने लड़ झगड़ के यहाँ से हटवाया था, 1 साल हटा, दोबारा रिपीट हो रहा है, और हम नहीं चाहते कि आने वाले हमारे बच्चे भी इसी शराब के ठेकों की लत में लगे। छोटे छोटे से भाइयों के बच्चे, छोटे छोटे 10-10 साल के बच्चे शराब पे लेते हैं, तो उसमें हमारे बच्चे भी आएंगे, हम लोग कहाँ जाए, रेजिडेंस एरिया छोड़कर हम शराब का ठेका क्यों यहाँ खोल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, पहले हम लोग शराब पियेंगे, बंदे बाद में पियेंगे। यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद धीमान की रिपोर्ट।